हाँ जी, क्या हुआ है? तो आरपी है, आरपी की शिकायत है। पेरिफेरल नहीं दिखाई देता, पेरिफेरल दिखाई नहीं देता है। तो आपको कैसे मालूम पड़ा इसको आरपी है? आरपी बचपन से है। आपको कौन से डॉक्टर साहब ने बताया था कि इसको आरपी है? उनको दिखाया भुवनेश्वर में, 10 साल हो गया। कौन सा हॉस्पिटल दिखाया आपने? एलवी प्रसाद भुवनेश्वर में। अच्छा, तो वो बताया वो इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज नहीं है, नहीं है। और इसको आरपी बीमारी है। आरपी बीमारी है। आरपी का फुल फॉर्म पूछा आपने? हाँ पूछा है। क्या है? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बीमारी है इनको। इनको सबसे पहले क्या परेशानी आपने फील करी? आप इनके कौन है, पिताजी हैं? हाँ पिताजी, इनका पिताजी। आपने सबसे पहले क्या नोट किया कि बिटिया को क्या हो रहा है? जो पास में जो दिखाई नहीं देता, साइन नहीं देता, चलते फिरते भी असुविधा होता है। रात को चलने में रात को तो ज्यादा असुविधा, क्योंकि रात को नहीं दिखता, अंधेरे में नहीं दिखता है, अंधेरे में कम दिखता है, कम दिखता है, है ना। और इसीलिए पहले जो था अभी ज्यादा बढ़ गया है, बढ़ना शुरू हो गया है। तो आपने भुवनेश्वर के अलावा और कहीं दिखाया था क्या? वहाँ चेन्नई में दिखाया था, चेन्नई में शंकर में दिखाया। तो वहाँ क्या बोला? वही बोला उसका ट्रीटमेंट कोई नहीं, कहीं नहीं है। इसके अलावा कहीं आयुर्वेदिक वगैरह कोई? आयुर्वेदिक का दिखाया था। कहाँ पर? ये भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में दिखाया। अच्छा, वहाँ पे वो जो एक हॉस्पिटल है, काफी नाम है उसका केरल में, श्रीधरियम, वहाँ आपने सलाह ली थी क्या? नहीं मानी गई, जाने का इरादा था, लेकिन आपको जो मिला यहाँ मिला, इधर आया, इधर गया। अच्छा, वहाँ यहाँ का आपको एड्रेस मालूम पड़ा इसलिए आप यहाँ आए हैं? इधर जाने का इरादा था। आपने गाइस पे एड्रेस देखा डॉक्टर ऋषभ जैन का? नेट में देखा, नेट पे देखा था, सोशल मीडिया पे आपने वीडियो देखे, आपने विश्वास किया कि आप यहाँ इस बीमारी का इलाज हो रहा है, हो रहा है, चल रहा है, अच्छा हो रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है। तो आप पहले बिटिया को लाए थे या किसी और को? पहले तो हमारा बेटा भी ऐसा, आपका बेटा पहले आया था, बेटा भी ऐसा है, उसको भी सेम परेशानी है, वो बोल भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, और अब रोशनी भी खत्म होती जा रही है। बेटे को फायदा हुआ इसलिए आप बिटिया को लेके आए हैं, ये भी ठीक होना शुरू हो, है ना। एटलीस्ट जहाँ है वहाँ रहे, बीमारी और ज्यादा ना बढ़े, ताकि उसकी जिंदगी में परेशानियां ना आए। बिटिया क्या करती है? आपको क्या करती है, काय की नौकरी करती है? ये तो इरिगेशन डिपार्टमेंट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, क्लास वन ऑफिसर। बहुत सारी बधाई हो आपको बिटिया का जज्बे को और आपकी सीख को, कि आपने बिटिया को इस योग्य बनाया कि आज वो ऑफिसर बन के सर्विस कर रही है, और अपनी जिंदगी की मोहताजियों से लड़ते हुए और समाज की सेवा कर रही है। ठीक, बहुत सारी बधाई हो आपको। बीटेक किया तो जिंदगी में परेशानियां बढ़ती जा रही है, मगर इनका जज्बा कम नहीं हुआ है, वर्क अपना कर रही है और सफलता पूर्वक। कितने साल हो गए नौकरी करते? 4 साल हो गए। 4 सालों से नौकरी हो गया, वो भी जनरल कॉलेज में पढ़ा है। हाँ, मतलब कॉलेज में नहीं है, जनरल बीटेक, जनरल क्या है, डिप्लोमा जनरल क्या, हाई स्कूल भी जनरल कॉलेज में, स्पेशल कॉलेज में पढ़ाई नहीं किया, ब्लाइंड स्कूल में या इसमें नहीं करी है, अपना खुद का पढ़ाई की है। चलिए, बहुत अच्छा है, आपने बच्ची को संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया और उस संघर्ष में वो खरी उतरी, जिसे वो आप सोच भी नहीं सकते थे कि वो इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचेगी। और हम प्रयास करेंगे कि वो जूनियर से सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाए, हमारा कोशिश रहेगी, ताकि इसकी नेत्र ज्योति में वो जो बाधाएं आ रही है इसके प्रोग्रेस में, वो चीज खत्म हो और ये आगे बढ़ती चली जाए। देखें आज इसको क्या दिखाई पड़ रहा है। DN, वेरी गुड, नहीं दिखता। तो इनको राइट आंख से अभी 2 लाइनें दिखाई पड़ रही, डी और एन। ओके, चेंज ई, DN, वेरी गुड, SCU, वेरी गुड, गुड, नो। इनको 2 लाइनें राइट आंख से दिखती है और 4 लाइनें आज लेफ्ट आंख से दिखाई पड़ रही है। ओके, पिगमेंटोसा, इसमें आंखों के पर्दे व नसों में खराबी आ जाती है, रात्रि में कम दिखाई देने से इस रोग की शुरुआत होती है और जीवन अंधकारमय हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस रतों दी, इसमें दिन में आदमी को सही दिखाई देगा, हर चीज काम कर लेगा, रात होते से उसको दिखना बंद हो जाएगा। छवि, तो पास का विजन अभी इनका काफी है, दूर का विजन कम होना शुरू हुआ है। तो वहाँ पर आपने चश्मे का नंबर का पूछा था क्या? चश्मे तो लगाया अभी, और चश्मे लगाया उसके तो कभी लगाता है कभी नहीं लगाता है, उससे इम्प्रूवमेंट नहीं होता, है ना, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए वो नहीं लगाता है चश्मा, है ना। तो हम प्रयास करेंगे कि इनकी रोशनी चश्मे से, बिना चश्मे से
किसी भी तरह बढ़ेगी वो अपन देखेंगे कितनी रोशनी बढ़ी। तो छवि जी को कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल नॉर्मल है, हर अक्षर बराबर बता रही हैं और ABCD वगैरह भी बोलती हैं, स्पष्ट नहीं है लेकिन ये हर चीज बोल रही हैं, जबकि ये डेफ और डम थी, मतलब सुनती भी नहीं थी बोलती भी नहीं थी बचपन में। तो ये आपकी बिटिया कैसे बोलने लगी? उसको हमने जो ये इसको भुवनेश्वर में लाया है, हाँ? उसके स्पीच एंड थेरेपी ट्रेनिंग दिया है, स्पीच थेरेपी की ट्रेनिंग दिया है, उसे लिप देख कर ये बोलता है और ट्रेनिंग दिया है, उसको प्रैक्टिस किया है, हाँ? वो थेरेपी से वो बोलता है। अच्छा अच्छा, तो लीप थेरेपी से जवाब देती हैं ये, लेकिन आंखों से देख के पढ़ रही हैं, इट मींस उनको बोलना आने लगा है, ठीक है ना? वो बोल रही हैं सेवन को सेवन, ए को ए, है ना, ओ एक्स, मतलब जो भी इतना स्पष्ट नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन सब ठीक नहीं है, वो तो बोलता है जो समझता है, हम घर का आदमी, वो क्या बोलता है हमको मालूम है, आपको समझ में आता है कि क्या बोल रहा है। नहीं, दुनिया के कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा कंसंट्रेट करे तो वो समझ सकता है कि ये क्या बोल रही है, जो इसका साथी है, हाँ, जो मिल सकता है, चार पांच दिन का अंदर क्या बोलता है वो समझ सकता है ना, ये क्या बोलना चाह रही है, क्या बोल रही है। चलिए, बहुत अच्छा किया आपने ये उसको अपाहिजता से उठा के आपने ऊपर लाए, संघर्ष किया, स्पीच थेरेपी से इतना योग्य बना दिया कि वो अपना बोल सकती है, क्या बोलना चाह रही है, क्या करना चाह रही है, वो आप समझ सकते हैं और इसके सर्कल वाले लोग समझ सकते हैं कि ये बोल रही हैं इंजीनियर साहब। ठीक ठीक, बहुत सारी बधाई हो। देखें इनका पेरिफेरल विजन, ये सरिता जी का पेरिफेरल विजन चार्ट है लेफ्ट आई का, और आप देख रहे हैं कि मात्र 3 इंच के सर्कमफ्रेंस में इनको दिखाई पड़ रहा है, और राइट आंख में भी ये काफी कम हो गया है और इनको मात्र 2 इंच की सर्कमफ्रेंस में दिखाई पड़ता है, है ना? बिटिया को का आने जाने में क्या परेशानियां होती है, आपने फील करी कभी? हाँ, आने जाने में पास पे जा रहा है, आ रहा है, उसको मालूम नहीं पड़ता, चलने फिरते भी नीचे का क्या चीज है वो मालूम नहीं पड़ता, नीचे के सामान से टकरा जाया करती है, और ऑफिस वगैरह में या घर पे भी कोई दो सामान के बीच में निकलने में इसकी टक्कर होती है? टक्कर बीच बीच में होते हैं, होती है ना, सीढ़ी वगैरह चढ़ने उतरने में, सीढ़ी में नहीं होता लेकिन अंधेरे में होता, अंधेरे में होता, मतलब परेशानी तो सीढ़ी वगैरह उतरने में भी होती होगी इनको, ठीक है, सीढ़ी उतरने चढ़ने में परेशानी होती है, सीढ़ी पे परेशानी होता है, चलिए, असुविधा होती होगी इनको चलने फिरने में, साइकिल वगैरह चलाती हैं, बाइक चलाती हैं? हाँ, साइकिल तो पहले चला रहा था, स्कूटर भी वो चलाता है, लेकिन वो देता नहीं उसको, देते आप, परेशानी ज्यादा लगती होगी ना चलाते समय? चलाता है। कितना साल पहले से बंद करा? अभी बंद हो गया है, 6-7 साल हो गया, 6-7 साल से बंद, तो साइकिल चला रहा छोटा, हाँ तो छोटे में चला रहे थे, धीरे धीरे पेरिफेरल विजन खत्म हुआ, और पेरिफेरल विजन खत्म होने से इनको ड्राइविंग में दिक्कत आने लगी कि पास में क्या जा रहा है, साइड से क्या जा रहा है, स्पीड ब्रेकर है, गड्ढा है, ये चीज इनको ठीक से दिखाई नहीं पड़ती है ना, इसके कारण इनको गाड़ी चलाना, इनने खुद ही बंद कर दिया मुश्किल होते हुए देखते हुए, बच्ची को खुद इतनी समझदार है कि उसने खुद ही अपनी ड्राइविंग बंद कर दी। हम प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फायदा आए, ताकि इनकी जिंदगी पुनः अपने हाथों में संबल के साथ, अपने विश्वास के साथ फिर चल फिर सके ये, और गाड़ी ड्राइव करके अपने छोटे मोटे काम कर सके। ओके, बेस्ट ऑफ लक। इसके कोने कोने में उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं, जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं, और ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में, उज्जैन जिले का ये नेत्र चिकित्सालय। ये सरिता जी का पेरिफेरल विजन है लेफ्ट आंख का, है ना? ठीक है। सरिता जी आपकी बिटिया हैं, ठीक है ना? और आप देख रहे हैं इसमें 2 गुना से भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आया है, ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, है ना? 5 दिन के इलाज के बाद ये इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई पड़ रहा है, और एक ये अपने आप में ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट है, आपको लगता है कि एकदम अपनी बच्ची का इतना विजन इम्प्रूव हो सकता है या तो हुआ है? हुआ है, नहीं सोचा था, हो गया है। हाँ, नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है, पर हुआ, क्योंकि आप साउथ में कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में दिखाया, और क्या कहा था उनने कि इसका कोई इलाज नहीं है, है ना? कहाँ का? नेत्रालय, शंकर नेत्रालय, और एलवी प्रसाद, एलवी प्रसाद,
और दूसरा भुवनेश्वर में देखा है अभी, दूसरा हॉस्पिटल में देखा है, वो बोला इसका ट्रीटमेंट नहीं है, इसका ट्रीटमेंट नहीं है और इम्प्रूवमेंट कोई नहीं होगा, डे टू डे बाय डिक्रीजिंग करेगा, इम्प्रूव नहीं करेगा। विजन डिक्रीज हो सकता है, इम्प्रूव नहीं हो सकता है सर, ठीक। और अल्टीमेटली इसको ब्लाइंड हो जाए, है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये ईश्वर ने आपके ऊपर जो मेहरबानी करी, आप सोच भी नहीं सकते कि आपको डबल से ज्यादा, करीब ढाई गुना इम्प्रूवमेंट हुआ है आपकी बिटिया को। राइट आंख में भी डबल विजन हो गया है, 2 इंच का 4 इंच करीब हो गया था, इसमें भी करीब 3.5 इंच का 8 इंच के ऊपर हो गया है। तो बहुत सारी बधाई हो आपको और आपके परिवार को, क्योंकि आपके बेटे को भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, बिटिया को भी इम्प्रूवमेंट आया और इसी तरह पूरे दुनिया के लोगों को इम्प्रूवमेंट आएगा आएगा। ये आपको ट्रीटमेंट वहाँ उज्जैन आएगा, ऋषभ जैन का पास, वो सबका भी इस टाइप का डेवलपमेंट होगा। तो अब आप देश और दुनिया के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? और जिसका भी तो आरपी का डिजीज है वो उज्जैन आ जाए और ऋषभ जैन का पास ट्रीटमेंट के लिए इधर आ जाना। और अच्छा ट्रीटमेंट हुआ है मेरा एक बेटा का, एक बेटी का, और दोनों का डेवलप्ड हो रहा है। अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन जितना भी अभी भी डेवलप्ड है, वो जहाँ भी हो पहली बार वहाँ आया है, और जो जिसका ट्रबल है वहाँ एक बार आ जाए, टेस्ट कीजिए, एक बार आए, इलाज कराए और स्वयं देखे कि इम्प्रूवमेंट आ रहा है। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। तो आपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में दिखाया, इसी तरह से लोग जो हरदास परेशान हो गए कि नहीं, इस बीमारी का इलाज नहीं है, शंकर नेत्रालय में बोला, एलवी प्रसाद में बोला, तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? एम्स के लोग भी देखे आपने, उनको भी शब्द मना किया, तो अब आप उन लोगों से क्या कहेंगे? और प्रदेश का लोग आता है ट्रीटमेंट के लिए, और लोग बोलते हैं, दूसरा पेशेंट को हम पूछा है, वो बोलता है ठीक अच्छा होता है, और जहाँ भी हो आ जाओ, इसका ट्रीटमेंट करके जाओ इधर। तो यहाँ पर बड़े बड़े अस्पताल से डॉक्टर्स ने मना कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी आपको आशा नहीं, आपने आशा नहीं छोड़ी, और उसी का परिणाम आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे को, दोनों बच्चों को फर्क आना शुरू हो गया। आपने भी विश्व के, इंडिया के बड़े से बड़े अस्पताल में दिखाया और वहाँ आपको मना कर दिया था, लेकिन आपने डॉक्टर ऋषभ जैन की वीडियो पे विश्वास किया कि जिस तरह दूसरे लोगों के बच्चे ठीक हो रहे हैं, मेरे बच्चे क्यों नहीं ठीक होंगे, मैं जरूर जाऊंगा। और आप इस विश्वास के साथ यहाँ आए और आप परिणाम देख रहे हैं कि आपकी बच्ची का विजन डबल हो गया है, है ना? ठीक है। और आपकी इस बिटिया को ये भी कहा गया था कि चश्मे का नंबर नहीं लगेगा और अब चश्मा इसको फिट नहीं होगा, तो देखते हैं आज इसको चश्मे से क्या इम्प्रूवमेंट आया है। ओके, ठीक है, पढ़ो। तो पांचवी लाइन के 3 अक्षर आज इनको आ रहे हैं। आपको ध्यान है फर्स्ट डे आए थे जब क्या हुआ था, फर्स्ट डे इनको चश्मे का नंबर भी नहीं लगता था, आपने बताया, और चश्मा सूट नहीं होता इसलिए कभी इनने डॉक्टर ने चश्मा दिया नहीं। आज इसको चश्मे से, अभी आए थे तो 2 लाइन पे थे, आज चश्मे से 5वीं लाइन के 3 अक्षर देख रहे हैं, और 5वीं लाइन का मतलब हो गया करीब करीब 40-50 फीट इनकी रोशनी बड़ी है चश्मे से। ओके, DHLEN, उसके नीचे छोटा छोटा है, एक भी नहीं। तो सरिता नहीं, आपका क्या नाम है? रमाकांत। रमाकांत जी, बिटिया को इस आंख में भी 40 फीट की रोशनी बड़ी है, 4 लाइन ये देखती थी OLAF, उसकी जगह आज ये 6 लाइन पढ़ रही है। 6 लाइन का मतलब हुआ एक लाइन में 20 फीट होता है, ऐसे 40 फीट की इसकी रोशनी बड़ी है दोनों आंखों से। और आपको और परिवार को और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से हताश हो चुके लोग जो ये सोचते हैं कि इसमें रोशनी नहीं बढ़ सकती है इस बीमारी में, उसमें आपकी बिटिया को रोशनी बढ़ी है। बहुत सारी बधाई, धन्यवाद। इश्क दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर है, बाल मंदिर छतरी चौक के पास एक हॉस्पिटल है, जी हाँ, जैन नेत्र चिकित्सालय।